नमस्कार, आज दिन भर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ मीनाक्षी। आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने सरकार द्वारा विधायकों और पूर्व विधायकों को कई बीघे जमीन पट्टे पर देने के निर्णय को गलत दिया करार। हमीरपुर में कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन। स्वदेशी जागरण मंच इकाई हमीरपुर ने गांधी चौक पर चीनी सामान के विरोध में किया प्रदर्शन, जलाया चीनी सामान। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर सुजानपुर व भोरंज के चुनाव अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला में दी गई जानकारी। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने सरकार को घेरा। समीरपुर में अपने निवास स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने सरकार द्वारा विधायकों को पूर्व विधायकों को कई बीघे जमीन पट्टे पर देने के निर्णय को गलत करार दिया है। धूमल ने कहा कि जो सरकार 5 साल में गरीब जनता को जमीन न देकर इस तरह के निर्णय ले रही है, ये बहुत निंदनीय है। प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने सरकार को घेरा है। समीरपुर में अपने निवास स्थान पर पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने सरकार द्वारा विधायकों और पूर्व विधायकों को कई बीघे जमीन पट्टे पर देने के निर्णय को गलत करार दिया है। धूमल ने कहा कि जो सरकार 5 साल में गरीब जनता को जमीन न देकर इस तरह के निर्णय ले रही है, ये बहुत ही निंदनीय है। धूमल ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक से पहले कई वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी पर जा रहे हैं, क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि सरकार गलत निर्णय लेने में डटी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का विधायकों और पूर्व विधायकों को पट्टे पर जमीन देने का निर्णय मजाक बन रहा है। धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने 4.5 सालों के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद में समय बिताया है, लेकिन अब अंतिम समय में इस तरह के निर्णय लेकर हाशिए का पात्र बन रही है। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले कई वरिष्ठ अधिकारी छुट्टी ले लेते हैं ताकि उनका गलत फाइल पे दस्तखत ना हो। हस्ताक्षर करने से भी अधिकारी बच रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि निर्णय जो गलत होंगे उनका अंततः उनको ही सारा भुगतान करना पड़ेगा और उनको ही उसकी सजा मिलेगी। कुछ अधिकारी अति उत्साह में आकर आधे अधूरे भवनों का उद्घाटन करा रहे हैं। हमने कहा है कि इनको इन कामों को पूरा करने के लिए फिर पैसा नहीं मिलेगा ना, अधिकारियों को अपनी जेब से ही वो पूरे करने पड़ेंगे जो आधे अधूरे भवन होंगे, आधे अधूरे काम होंगे। कल का एक और निर्णय जनता में आलोचना का विषय भी बनेगा और मजाक का भी। विधायकों और पूर्व विधायकों को कई बीघे जमीन देने की बात कही गई है, जबकि भूमिहीनों को जो इनके चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था कि जिसके पास मकान के लिए जगह नहीं है उसको 2 बिस्वा जमीन देंगे, 5 साल में गरीब को तो 2 बिस्वा जमीन नहीं दे सके, और अब कई बीघा जमीन विधायकों को देकर विधायकों को भी अपमानित किया जा रहा है और एक गलत निर्णय गलत समय पर लेकर सरकार अपने आप को मजाक का विषय बना रही है। वहीं प्रदेश सरकार के इस निर्णय पर स्थानीय जनता ने गहरा रोष प्रकट किया। जनता का कहना है कि सभी MP MLA को इनकम टैक्स के दायरे में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह जमीन के पट्टे पर दिए जाना बहुत ही गलत है। वहीं लोगों का कहना है कि हर तरह की सुविधा विधायकों को दी गई है, लेकिन फिर भी सरकार की इस तरह की मेहरबानी की जा रही है जो कि जनता के साथ धोखा है। लोगों का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार ने आज तक लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया है। गौशाला की जमीन के कागजात शिमला में काफी सालों से पड़े हैं, लेकिन आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि विधायकों को जमीन दिए जाने का निर्णय बहुत ही गलत है। से गलत है। एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश में सब्सिडी खत्म करने की ओर अपना कदम आगे बढ़ाए हुए हैं, चाहे पेट्रोल डीजल की बात है चाहे गैस की सब्सिडी की बात है, वहीं दूसरी ओर MP MLA मिनिस्टर्स को जो है वो जमीन पट्टे पे देने का जो प्रदेश सरकार का निर्णय है वो पूरी तरह गलत है। हमारा तो यहाँ तक मानना है कि जितने भी MP MLA हैं इनको भी इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाहिए। यहाँ संसद में देखा तो नहीं है, परंतु इतना सुनने में आता है कि वहाँ पे जो खाना है वो 10 रुपये और 15 रुपये की थाली के हिसाब से मिलता है, या 100 रुपये की भी अगर थाली उनको मिलती है तो वो बहुत
एक न्यूट्रिशियस थाली मिलती है, परंतु उसी थाली को अगर ओपन मार्केट में कंपेयर करें तो वो थाली 300 से 500 रुपए तक जाती है। तो इनको इतनी लग्जरी देने का क्या लॉजिक है जब इनका इस तरीके का कोई वर्किंग भी नहीं है। कई बार जैसे हिमाचल में MP MLAs जो हैं वो स्ट्राइक्स वगैरह करते हैं और पूरा पूरा सेशन जो है वो फालतू में निकल जाता है। तो हमारा तो ये मानना है कि ये प्रदेश सरकार का एक तरह से जो निर्णय है, चाहे किसी भी पार्टी के MP MLAs हों, वो सभी इसमें मिले हुए हैं, तो इस तरीके का निर्णय पूरी तरह से गलत निर्णय है। देखिए, इसके बारे में सोचना ये है कि क्यों ना हम भी एक बार MLA बन जाएं, क्योंकि जिस तरह की फैसिलिटी MLA MPs के लिए है वो उतनी फैसिलिटी शायद ही किसी ब्यूरोक्रेट्स या बड़े बड़े ऑफिसर उनको भी नहीं है। एक बार आदमी अगर MLA बन जाता है तो उसको पेंशन, जो कि आप देखिए सरकारी इम्प्लाई जो 58 साल अपनी पूरी उम्र देता है सरकारी विभाग में, उसे पेंशन नहीं मिलती है। और एक जो MLA एक दिन के लिए भी अगर वो MLA बन जाता है वो ताउम्र अपनी पेंशन लेता है। तो जितने भी कानून होते हैं ये अपने हिसाब से बनाते हैं। जब अपने इंटरेस्ट की बात होती है तो सारा सदन सारे MLA इकट्ठे होकर उसे हामी भरते हैं, हाँ जी ठीक है हमारे लिए किया जाए, और जब जनहित की बात आती है तो ये सभी लोग पीछे हट जाते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो निर्णय लिया है प्रदेश सरकार ने जिसमें MPs और MLO के लिए पट्टे पे जमीन मिलेगी, ये गलत है। अगर आपने जमीन पट्टे पे देनी है तो गरीब आदमी को दीजिए, उन लोगों को दीजिए जिनके पास घर नहीं है, उन लोगों को देने की जरूरत नहीं है जो पहले ही एक बड़े बड़े आलीशान मकानों बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। यहाँ तक कि आज तीन प्रदेश सरकार अपने विधायकों को तीन बार वेतन बढ़ाया और आज विधायकों के लिए भूखंड देने की बात इन्होंने स्वीकार की है कि हर विधायक को पूर्व विधायक को 5-5 बीघा जमीन दी जाएगी। मुझे इस बात का दुख है कि आज तक की सरकार ने किसी भी गौशाला के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई, इससे उल्ट अपने पूर्व विधायकों को और वर्तमान विधायकों को जो पटे पर जमीन देने का निर्णय लिया है उसका विरोध करते हैं। शास्त्री, ये जो निर्णय पेपर में आया है कि सभी विधायकों को जमीन दी जाएगी, कहीं तो किसी को 30 साल नौकरी करने पर भी पेंशन नहीं मिलेगी और कहीं विधायक ने शपथ ग्रहण कर ली तो उसको या उसके परिवार को पेंशन लग जाएगी, चाहे सरकार भंग हो जाए चाहे किसी की दुर्घटना मृत्यु हो जाए। एक तरफ तो 30 साल नौकरी करने पर भी पेंशन नहीं मिलेगी और एक तरफ एक दिन भी चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण कर ली तो उनको पेंशन की सुविधा है। दूसरी तरफ सभी विधायकों को सरकारी तौर से मुफ्त मिल रही है या सस्ते ब्याज पे मिल रही है या जैसे भी मिल रही है, ये निर्णय जो है वो बिल्कुल जनता को अच्छा नहीं लग रहा है। इससे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को हमने आम जनता ने चुन करके देश की भलाई के लिए भेजा तो वो देश की जनता की भलाई के बारे में बाद में और पहले अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। तो ये बात पूरी ऐसी तरह है कि जैसे जिस बाढ़ खेती को बाढ़ लगाई जाती है, दही बाढ़ उस खेती को खा ले। तो ये जो निर्णय है विधायकों के या सरकार के अपने चुने हुए नुमाइंदों के प्रति ही, ये जनता से सरासर जो है वो धोखा है। इससे जनता का विश्वास जो है वो राजनेताओं से उठ रहा है और उनके प्रति रोष है, भारी रोष है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रोहित ट्रेडिंग कंपनी सुजानपुर, हमारे यहाँ उपलब्ध है अंबुजा सीमेंट जो आपके घर की दीवारों को बनाए मजबूत, घर की छत को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ हर तरह की कलरफुल सीट है उपलब्ध जो आपके घर की छत को बनाए आकर्षक। हम देते हैं अपने सामान की पूरी गारंटी। हमारे यहाँ आप पाएंगे TMT सरिया, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ टाटा टिस्कॉन। हो बातें सपनों की, लो अपनों की एडवाइस, हो बातें प्यार की, सोचो मत ट्वाइस, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, हो खुशियाँ अपनों की, बनो थोड़ा वाइस। टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ इंडिया बोले लाइफ में नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। घर की चार दीवारी के लिए ले जाएं एंगल पत्ती, आपके घर की छतों को निखारने के लिए कलर सीट के साथ GI सीट की भी है भारी रेंज।
साथ ही आप पाएंगे पीवीसी पाइप्स, जीसी पाइप्स, हर तरह की पानी की भी टंकियों की है भारी रेंज। सुंदर घर स्वपन आपका, सहयोग हमारा। अपने घर के सपनों को साकार करने के लिए आज ही पधारें रोहित ट्रेडिंग कंपनी नियर ब्यास प्लीज आलमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमारा नंबर है 9816645211 9816335144। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमीरपुर जिला मुख्यालय में गांधी चौक पर जिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, अनिता वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन भारती, पार्षद देवीदास सहनसा, राजेंद्र वर्मा सहित काफी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला हमीरपुर मुख्यालय में गांधी चौक पर जिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। इस धरने में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, अनिता वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन भारती, पार्षद देवीदास सहनसा, राजेंद्र वर्मा सहित काफी संख्या में कांग्रेस नेता मौजूद रहे। धरने के दौरान बढ़ती हुई महंगाई पर चिंता व्यक्त की गई और पीएम मोदी पर महंगाई को रोकने में असफल होने के आरोप लगाए। बाद में कांग्रेसी पदाधिकारियों ने डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र में पीएम मोदी के राज में पिछले 3 सालों से महंगाई चरम पर है और इस कारण आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने समय में महंगाई को रोक पाने के लिए असमर्थ साबित हो रही है। ठाकुर ने कहा कि अगर महंगाई कम ना हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतर कर विरोध करेगी। ये जो धरना है, जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर जिला में मुख्यालय पर धरना दे रही है, जो केंद्र सरकार ने जब सत्ता में आई, 3 साल पहले जब सत्ता में आए थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े झूठे वायदे किए थे लोगों के साथ कि महंगाई कम करेंगे, परंतु आज देख रहे हैं कि महंगाई दिन ब दिन स्तर बढ़ती जा रही है। जिस तरह से कुछ ही महीनों के में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस के दाम बढ़े हैं, जिससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा उसका बोझ पड़ रहा है। और जब भाजपा की सरकार केंद्र में सत्ता में आई थी, उन्होंने आने से पहले लोगों को कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, परंतु ना तो आज तक किसी को कोई रोजगार के कोई नए ऐसे संसाधन उपलब्ध कराएंगे जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। ना ही आज जो आप महंगाई है वो एक चरम सीमा पर है, चाहे वो दालों के भाव हैं, चाहे गैस सिलेंडर्स के भाव हैं, चाहे पेट्रोल डीजल के भाव हैं, जिससे आम जनता को इसके काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ रहा है इनके ऊपर। देखिए, अभी तक अगर केंद्र सरकार ने जल्दी ही इसके ऊपर अगर महंगाई को कम करने की कोशिश नहीं की गई तो कांग्रेस जो है वो सड़कों पे उतरेगी और इसका जो है विरोध जो है वो जारी रहेगा। आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश स्तर पर सभी जिला मुख्यालय में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आने वाले कल में अगर इस तरह से केंद्र सरकार अपनी नीतियां अपनाती रहेगी तो केंद्र सरकार का, भाजपा की सरकार का विरोध किया जाएगा। कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं केसीसीवी वाइस चेयरमैन कुलदीप पठानिया ने कहा कि पीएम मोदी महंगाई को कंट्रोल करने की बजाय विदेशों के दौरों पर मस्त हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने के सामान के दामों में इजाफा करके जीना दुर्भर बना दिया है। सरकार की तरफ से ना प्रदेश के कांग्रेस की तरफ से यह आह्वान है कि आज पूरे प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर धरना दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो वर्तमान पे केंद्र में सरकार चली हुई है और जिस तरह उन्होंने लोगों के वायदे किए थे, लोगों को सपने दिखाए थे, लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे, उससे बिल्कुल 100% उसके खिलाफ जा रही है। ना इनसे महंगाई कंट्रोल हुई, ना इनसे उग्रवाद कंट्रोल हुआ, ना इनसे देश की सुरक्षा के लिए कोई ऐसा आगे कदम बढ़ाया, सिर्फ अपनी ये मौज मस्ती में मस्त हैं और प्रधानमंत्री जो है वो फौज के टूरों में ग्रस्त हैं। स्वदेशी जागरण मंच इकाई हमीरपुर ने गांधी चौक पर चीनी सामान के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारियों ने चीनी सामान को जलाया और स्वदेशी अपनाने के लिए अपील की। सदस्यों ने चीनी सामान का प्रयोग न करने का संदेश दिया। प्रदर्शन के दौरान स्वदेशी जागरण मंच अध्यक्ष जगवीर चंदेल, संजीवन मनकोटिया, पंकज भारती, नरेंद्र नंदा, अश्विनी राकेश कुमार मौजूद रहे। स्वदेशी जागरण मंच इकाई हमीरपुर ने गांधी चौक पर चीनी सामान के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान स्वदेशी जागरण मंच के पदाधिकारियों ने चीनी सामान को जलाया और स्वदेशी अपनाने के लिए अपील की। सदस्यों ने चीनी सामान का प्रयोग न करने का संदेश दिया। प्रदर्शन के दौरान स्वदेशी जागरण मंच अध्यक्ष जगवीर चंदेल, संजीवन मनकोटिया, पंकज भारती, नरेंद्र नंदा,
अश्विनी राकेश कुमार मौजूद रहे। सदस्य चंद्रकांत ने बताया कि चीनी सामान ने भारत पर कब्जा किया है और आज पूरा देश चीनी सामान के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच इकाई ने चीनी सामान जलाकर लोगों से स्वदेशी अपनाने की मांग की। कार्यक्रम चीन के सामान की होलिका दहन का यहाँ स्वदेशी जागरण मंच की ओर से किया जा रहा है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में चीन की जो नीति रही है लगातार आगे बढ़ने की रही है, चाहे वो सिक्योरिटी यूएन में सिक्योरिटी गार्ड में हमारी सदस्य का हो या फिर पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आतंकवादी घोषित करने का हो, लद्दाख में लगातार उनका अतिक्रमण हो या फिर ढोकला में उनका जो है सैन्य अतिक्रमण हो, और अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के नागरिकों को फ्री वीजा देना और अरुणाचल को अपनी टेरिटरी घोषित करना, ये सब चीन के हथकंडे रहे हैं। और यहाँ पर उनका सामान कई प्रकार से आता है, लीगल इलीगल सभी तरीकों से आता है, और जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था नष्ट हो रही है और कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम लोग चीन की उस अतिक्रमणवादी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम उसके एक सांकेतिक रूप में है कि हम इसका विरोध करेंगे, हम अपने धन से अपने ही देश की संप्रभुता को खंडित नहीं होने देंगे, उसको हम बचाए रखेंगे। आज का कार्यक्रम इसी निमित्त। वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र नंदा ने कहा कि आज देश में चीन ने सामान भर दिया है और घटिया सामान बनाकर भारत भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश वासियों को चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के लोग चीनी वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं जो कि हानिकारक है और केवल पैसे कमाने की होड़ है। की तारीख में स्थिति ये हो गई है कि हमारे देश में जहां भी जाए वहां चीन ने सारा सामान यहां पर डंप कर दिया है। हमारे देश में स्थिति ये है कि ये सामान ना तो टिकाऊ होता है और इसकी केवल ये एक अट्रैक्शन दी जाती है कि ये सामान जो है सस्ता है, जबकि अब लोगों ने जो है ये महसूस करना शुरू कर दिया कि ये निकम्मा सामान जो कि घटिया सामान वहाँ पर बना करके भारत में शुरू में कुछ वर्षों में भारत के भोली वाली जनता को गुमराह किया गया, बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन लोग अब समझदार हो गए हैं, वो अब ये चीन निर्मित सामान से दूर रह रहे हैं, उसका बहिष्कार हमारे बोलने पर बहिष्कार कर रहे हैं। इसी बात को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये एक कार्यक्रम लिया स्वदेशी वस्तुओं का। इसका हम ये नहीं कहते हैं कि हर चीज जो है वो और जगह से नहीं आ सकती है, लेकिन हम चीन के देश को अपने आप पाल रहे हैं वहाँ का सामान लेकर के, और वो सामान जो कि नुकसानदायक है, चाहे आप बच्चों के खिलौने ले लीजिए, आप देख रहे हैं कई बार सोशल मीडिया में भी आ रहा है वहाँ के चावल, प्लास्टिक के चावल तक उन्होंने बेचना शुरू कर दिए, वो केवल पैसा कमाने की होड़ में उन्होंने चीन ने इंसानियत तक जो है वो भी दाव पर लगा दी है, लोगों की जिंदगियां दाव पर लगा दी है। इसी सारी चीजों को देखते हुए निर्णय लिया गया राष्ट्र स्तर पर कि इस सामान का जो है बहिष्कार किया जाए, जिससे कि उनकी उनको हम जो पाल रहे हैं वो पालना जो है बंद हो जाए। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त उजाला है, छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद। 10 साल सफलतापूर्वक दुलेड़ा ऊना में कंप्लीट करने के बाद पूरी फर्नीचर हाउस अब आपके शहर हमीरपुर में मट्टन सेठ हनुमान मंदिर के सामने दे रहा है अपनी सेवाएं। अपने घर को ऑफिस को सुंदर बनाने के लिए आज ही आए पूरी फर्नीचर हाउस हमीरपुर और ले जाएं बेहतर क्वालिटी का फर्नीचर जो आपके घर की सुंदरता में लगा दे चार चांद। आपकी सुविधा के लिए सागवान लकड़ी से तैयार करवाए जाते हैं सोफा कम बेड, दीवान कम बेड, डाइनिंग टेबल, चेयर, अलमीरा की भारी रेंज। आपके ऑफिस को नए लुक देने के लिए हम देते हैं गारंटी के साथ डिजाइनर रिवॉल्विंग चेयर, सेलो प्लास्टिक चेयर व ऑफिस की हर जरूरत का सामान। साथ ही हमारे यहाँ उपलब्ध है गोदरेज के गद्दे। तो दीजिए अपने घर वो ऑफिस को नई लुक पूरी फर्नीचर हाउस के साथ। हमारा पता है पूरी फर्नीचर हाउस नियर हनुमान मंदिर मटन सिद्ध हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816562762, 8894233990।
ठाकुर द्वारा गौशाला समिति वर्ष 2001 से लावारिस बेसहारा तथा पीड़ित गाय की कर रही है देखभाल। कमेटी के अथक प्रयासों, दानदाताओं के सहयोग से पीड़ित गौधन को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। कमेटी द्वारा लावारिस पीड़ित व बेसहारा गौओं की जाती है सेवा। गौशाला में गाय का घी, अर्क व पंचगव्य से निर्मित धूप दवाइयां भी हैं उपलब्ध। गौशाला में किसानों के लिए वर्मिंग खाद भी की जाती है तैयार। गौशाला में गौ पूजन, गौदान, तुलादान, शनि, नवग्रह व नवरात्रों पर पूजा पाठ का किया जाता है विशेष आयोजन। दानी सज्जन गौशाला में दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर दान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में भी दी जाती है छूट। तो आज ही आए ठाकुर द्वारा गौशाला समिति जमली धाम और बने पुण्य के भागी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन हमीरपुर ने तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते सुजानपुर व भोरंज के चुनाव अधिकारियों के लिए बचत भवन हमीरपुर में 3 दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन जानकारी दी गई। कार्यशाला में DC हमीरपुर मदन चौहान ने शिरकत करके महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया करवाई। सभी बूथ स्तर के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण करें, मतदाता सूचियों में किसी भी प्रकार की त्रुटियां ना हो। कार्यशाला में तहसीलदार निर्वाचन उपेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन हमीरपुर ने तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसी के चलते सुजानपुर व भोरंज के चुनाव अधिकारियों के लिए बचत भवन हमीरपुर में 3 दिवसीय कार्यशाला के पहले दिन जानकारी दी गई। कार्यशाला में DC मदन चौहान ने शिरकत करके महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया करवाई। सभी बूथ स्तर के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण करें, मतदाता सूचियों में किसी भी प्रकार की त्रुटियां ना हो। कार्यशाला में तहसीलदार निर्वाचन उपेंद्र शुक्ला भी मौजूद रहे। DC हमीरपुर मदन चौहान ने चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी बूथों पर 100% मतदान हो, इसके लिए काम किए जाएं। साथ ही मतदाता सूचियों में त्रुटियों को भी समय पर सुधारा जाए ताकि मतदान प्रक्रिया में विलम्ब न पड़े। सभी को विदित है कि हमारे राज्य में जो है चुनाव अपेक्षित है कभी भी अब, और इसी कड़ी में हमने ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो है, बूथ लेवल ऑफिसर है, उनको यहाँ पे आज ट्रेनिंग के लिए बुलाया था। आज हमने प्रारंभ किया है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी को कवर किया है, भोरंज और सुजानपुर। इसके सभी BLOs और सुपरवाइजर साहबान यहाँ पे, हमने उनको ट्रेनिंग दिया है तहसीलदार साहब ने, और मैंने भी उनको यही सुझाव दिए हैं, उनसे अपेक्षा की है कि हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन इस बार करवाएंगे और किसी किस्म की इसमें गड़बड़ नहीं होने देंगे। इस वक्त जो मेन एम्फेसिस है जो उनको दिया गया है वो ये है कि जो हमारी वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करने का कार्य लगातार चल रहा है, और मैंने ये सुझाव दिया है कि जो BLO इनमें से सबसे ज़्यादा वोटर को आज के बाद और 30 तारीख तक अपने यहाँ पे ऐड करता है उसको हम उसको एक इनाम देंगे एक बड़े ओकेजन के ऊपर, ताकि एक ये मोटिवेशन फैक्टर जो है उनके लिए हो जाए। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी है। पोलिंग स्टेशन जो है वो उसको हमने ठीक से बनाना है, वहाँ पे जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो वहाँ पे होनी चाहिए, इसके बारे में इनको बताया है। सर, हमीरपुर में से इलेक्शन कमीशन की टीम जो है हिमाचल को विजिट करने वाली है इसी हफ्ते के अंदर, और हो सकता है कि वो हमीरपुर ज़िले में भी आए, अभी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, पर हो सकता है कि वो हमीरपुर ज़िला में भी आए। तो वो मैंने BLOs को बता दिया है कि आपका वो किसी भी बूथ पे जा सकते हैं, तो वो बूथ जो है पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, उसके ऊपर बोर्ड लगा होना चाहिए, बोर्ड में कुछ चीज़ें लिखी हैं वो हमने इनको बता दी है। और बाकी इस बार जैसे आप पहले भी पूछ रहे थे, मैं भी बता दूँ कि 50% जो है वो वेबकास्टिंग होनी है, 50% पोलिंग स्टेशन के ऊपर, ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है। अब आप समझते हैं कि वेबकास्टिंग जब होगी तो वो तो फिर YouTube पे अपलोड करके कहीं भी इंटरनेट पर उसको देखा जा सकता है, और जैसे मैं BLOs को भी बता रहा था कि जो हमारे स्थानीय निवासी कहीं बाहर दूसरे देशों में रहते हैं, आपको तो बड़ा अच्छा लगता है अपने लोगों को देखना, अपने देश की जो है वो एक्टिविटी क्या हो रही है, तो इस बार उस तरह से तैयारी हमने करनी है। और इसके अलावा ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, अभी 2-3 दिनों में हम 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसी और पूरा कवर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि हम
मैक्सिमम वोटर को इसमें एनलिस्ट कर पाएंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके निवासियों को ये आग्रह भी करता हूँ कि आप सभी जो है अपने आप को रजिस्टर करें। जिन वोटर्स की आयु 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष हो चुकी है उनको रजिस्टर अपने आप को करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा वेपन, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है कि हम अपनी सरकार को चुनते हैं और सरकार अपनी वही होती है जिसको हम पास करते हैं। तहसील निर्वाचन अधिकारी उपेंद्र शुक्ला ने बताया कि 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पूरे जिला भर के BLO चुनाव अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें चुनाव प्रक्रिया बढ़िया से संपन्न करवाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार BLO को ट्रेनिंग देना अनिवार्य किया गया है। तो आज हमने 36 बुरंज और 37 सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के जो BLO और सुपरवाइजर्स थे उनको आज यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई। उनको बताया गया कि आगामी चुनाव हेतु उन्होंने जो हमारा फोटो इलेक्ट्रोल है उसको किस तरह से दुरुस्त करना है। इसके अतिरिक्त जो भी तैयारियां पोलिंग के लिए, पोल डे के लिए की जानी है, पोलिंग जो हमारी पार्टीज होंगी उनका अरेंजमेंट किस तरह से करना है और किस तरह से उनको आर्ली रिपोर्ट देनी है, इन सभी बारे में उनको जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त हमीरपुर जिला में पहली बार जो है VVPAT का हम यूज़ कर रहे हैं। हालांकि भुरंज बाई इलेक्शन में हमने VVPAT यूज़ किया है, परंतु अन्य जो 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनमें पहली बार VVPAT यूज़ हो रहा है। तो इसकी वाइड पब्लिसिटी के लिए भी इन लोगों से आह्वान किया गया कि BLOs डोर टू डोर जाके लोगों को VVPAT के बारे में बताएं कि किस तरह से वोट डालते ही एक जो पर्ची है वो स्क्रीन पे आएगी और ये पर्ची जो है 7 सेकेंड तक स्क्रीन पर रहेगी। तो ये सभी जानकारियाँ जो हैं हमने अपने BLOs को और सुपरवाइजर्स को दी हैं और हमारा ये मानना है कि वो चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फैसला लिया है, जनरली ये होता है कि हम अपने जो BLOs उनको बोलते हैं कि आप उनके खाने का इंतजाम हमारे BLOs करेंगे, परंतु जो जो खर्चा है वो पोलिंग पार्टी देगी। परंतु ऐसा देखने में आया कि कुछ लोग खाना खा के जो हैं वो खर्चा जो है वो नहीं दे के आते, तो इस संबंध में उनको बताया गया कि वो तुरंत जो है वो RO को इन्फॉर्म करें कि ये जो लोग हैं ये वहाँ पे पेमेंट नहीं करके आए हैं, तो इसके लिए हम तुरंत कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सामान लेने से पहले ही उनसे पेमेंट वसूल करके कंसर्न जो BLO है उसको दिलवाएंगे। चलते चलते एक बार फिर रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल ने सरकार द्वारा विधायकों और पूर्व विधायकों को कई बीघे जमीन पट्टे पर देने के निर्णय को गलत दिया करार। हमीरपुर में कांग्रेस द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया धरना प्रदर्शन। स्वदेशी जागरण मंच इकाई हमीरपुर ने गांधी चौक पर चीनी सामान के विरोध में किया प्रदर्शन, जलाया चीनी सामान। विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर सुजानपुर व भोरंज के चुनाव अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला में दी गई जानकारी। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बन रही एस्टूडियो के साथ, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे पहले जो प्रदेश, देश और विदेश से राजनीति, खेल और मनोरंजन की दुनिया की हर खबर दर्शकों